का बात है दीदी, बहुत परेशान लगत है। हमर खेत में घास हो जा है बड़ी जोर से, तो का करिए दीदी, बनियारो नहीं मिलत है। दीदी मैं ग्राम संगठन मीटिंग जा रही, उकर में एक ठो चर्चा हो रहे, एक ठो बीडर नाम करके एक ठो मशीन है, वो घास के आसानी से काट सकेला और हम इन दीदियों मन चला सकेला। कोनो बीडर के चलाले से मिट्टी ढीला हो जाएला और खेत में उगे वाला घास मिट्टी में मिल के खाद बन जाएला। तब तो दीदी बीडर मशीन बहुत ही अच्छा है। हाँ दीदी, बीडर मशीन बहुत अच्छा है, ज्यादा आदमी कर जरूरत भी नहीं होएला, अकेले भी हम इन चला सकेला। हाँ दीदी, मोर जगन बीडर मशीन है, मैं खेत में जाए के दिखा देबो। हाँ दीदी, यह बीडर मशीन है कौका। हाँ चलते जब भाई। दीदी कैसन चला खोले के? ये देखन चला खोला, आगे पीछे करे खोला ऐसा। दीदी और एक बात के बहुत ध्यान रखे कहे, खेत में कम से कम 1 इंच पानी रहे बहुत जरूरी है, एकर से बीडर आसानी से चल सकेला। अच्छा दीदी, एकर में और का करे खाओ? जरूरी है दीदी कि 15 दिन में पहला कोनो बीडर चलाए, 30 दिन कर बाद दूसरा, 40 दिन कर बाद तीसरा कोनो बीडर के चलाए बहुत जरूरी है। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी देते ही बीडर के चलाए ले वो हम हो। अच्छा ले चलाए के दिख ले। अच्छा दीदी सन चलाए खबौला। हाँ अच्छा दीदी, बीडर के चलाए के ले सिखा ले से कर ले तो के बहुत बहुत धन्यवाद, हम भी श्री विधि से खेती करबो। खे वाला सब दर्शक मन के हमर बटे से जोहार, एखन तोहरे देखला कि कोनो बीडर कैसन चलाल जाएला और कोनो बीडर चलाए से हम इनके ई फायदा है कि कोनो बीडर के चलाए से जड़ कर मिट्टी ढीला हो जाएला और ऑक्सीजन जड़ तक पहुंच सकेला और जेकर से पौधा कर जड़ मजबूत हो जाएला। बीडर मशीन चलाए से घास मिट्टी में मिल के खाद बन जाएला और उपज अधिक होएला, जेकर से किलो कर मात्रा बढ़ जाएला। सबके जोहार। कोनो बीडर के उपयोग से धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत आसान हो जाता है, साथ ही इसके उपयोग से जड़ों के पास की मिट्टी ढीली होती है जिससे पौधों में अधिक कले निकलते हैं। इसका उपयोग करना भी बहुत आसान होता है।